बाबा देखा है कि गिलगित से सिलसिला शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के रजाकारों ने वहाँ भी लोगों को रिलीफ दिया, रेस्क्यू का काम किया। फिर आपने गुज़िश्ता दिनों जब सवात में और दीर में और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के अंदर सैलाबी रेले देखे, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फौजिया चांद नवाब, आप देख रहे हैं CNW न्यूज़। आज हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के अल-खिदमत में, जहां पे ये देखें सैलाब जदगान के लिए पैकिंग की जा रही है। जिस तरह आदमियों बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कैंप लगाए हुए हैं, इसी तरह ख़वातीन भी हर जगह शाना बशाना है और बच्चों के लिए कपड़े पैक कर रहे हैं, खुराक पैक कर रहे हैं, ताकि हिफाजत के साथ उन तक पहुँच सके। आइए यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर अस्मा बाजी हैं, ठीक है, नाहिद बाजी हैं, उनसे बात करेंगे। उनकी सरपरस्ती में जो है ये सब काम जारी है, आप देख सकते हैं। जी, मेरा नाम अस्मा सफ़ीर है और मैं इस वक्त मेरे पास जिम्मेदारी जमात इस्लामी हलका ख्वातीन नाजमा कराची की है। जमात हमेशा कराची के हकूक के लिए उठी है, महंगाई के लिए, हर चीज़ के लिए। अभी सैलाब जदगान के लिए भी माशाल्लाह से सबसे आगे हैं और यहाँ पे ख़वातीन सब काम कर रही हैं, क्या कहेंगी? जी, ये तो आप देख रही हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का ख्वातीन का एक बहुत बड़ा और मनज़्ज़म विंग मौजूद है और इस वक्त अल-खिदमत इमदादी कैंप में जमात इस्लामी के कारकुनान जो हैं वो सुबह से लेके शाम तक यहाँ पर मौजूद हैं। और सब आप खुद देख रहे हैं कि जो इमदादी कैंप्स में जो सामान आएगा उस सामान को यहाँ पर बैठ कर सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सॉर्ट आउट इस तरह के मर्दों के कपड़े अलग, ख्वातीन के अलग, बच्चों के अलग और सब के पैकेज बनाए जाएँ ताकि जब ये मुस्तहकीन तक पहुँचे तो ये सही हालत में और अच्छे तरह उनके पास पहुँच जाएँ। इसी तरह बाहर भी खुश्क राशन और पानी की बोतल, बिस्तर, बर्तन सब के मतलब अलग अलग पैकिंग्स हो रही हैं और इंशाल्लाह जिस तरह ये सॉर्ट आउट हुए जा रहे हैं, सामान सॉर्ट आउट होकर ट्रक पे जा रहे हैं और फौरी फौरी इसकी तरसील हो रही है और अल-खिदमत का एक नीचे तक एक नेटवर्क मौजूद है जिसके ज़रिए ये सारा सामान उन मुस्तहक अफराद तक पहुँच रहा है फौरी फौरी। अस्मा जी, अब तक कितनी इमदाद जो है अंदरून सिंध जा चुकी है? देखिए, ये तो आपको ख़बरों से भी पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत का अपना एक नाम है और पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इसके ऊपर एतमाद किया जाता है। लोग बहुत ही खुले दिल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत को फंड्स दे रहे हैं और जैसे जैसे वो फंड्स दे रहे हैं उसी वक्त से उसकी तरसील की जा रही है और हर जगह आपने ये सुना होगा कि फ़ौज के साथ साथ अल-खिदमत एक मुनज़्ज़म इदारा है जो इस वक्त इमदादी कामों में मसरूफ़ है, लोगों को रेस्क्यू भी कर रहा है और उनको मुसलसल इमदाद भी पहुँचा रहेगा। जी, देखें बिल्कुल इन ख़वातीन को जो है सलाम है, पाक फ़ौज को सलाम है कि ये अपने घर के काम छोड़ के, अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़ के सैलाब जदगान के लिए यहाँ पे बैठी हुई हैं और काम कर रही हैं। इन ख़वातीन के लिए क्या बोलेंगी भाजी? जी, बस ज़ाहिर है ये जज्बे हैं और हम इस वक्त कह रहे हैं कि जिस जो महंगाई का आलम है और जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें हम अंदाज़ा नहीं था कि बहुत ही खुशी हो रही है देख कर कि सिर्फ इस वक्त यहाँ पे जमात इस्लामी के कारकुनान ही नहीं, हमने अपील की है और हमारे साथ पूरे कराची से बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं और सामान को भी देख के बहुत हैरत हो रही है कि इस महंगाई के दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में लोगों ने ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया नया सामान शॉप से ख़रीद कर अपने घरों से निकाल कर यहाँ पर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कचरा दिया है, इन ख्वातीन को सलाम है अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई के अंदर, इसका मतलब है। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम राशिद कुरैशी है, अल-खिदमत कराची की मेरी जिम्मेदारी है और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त ये सैलाब मुतासरीन के लिए हमारा मरकज़ी कैंप है। कराची भर से यहाँ पे सामान जमा हो रहा है, ये सामान जो है सिर्फ एक रात का है और ये एक रात में आप देखें इतना बड़ा एरिया भर गया है और कल यानी पहली रात को हमने सामान जमा शुरू करना शुरू किया और ये कल रात का सामान है जो आप भरी बाहर गली के अंदर देख रहे हैं, गली भी भर गई है।
आज हम सोच रहे हैं कि आज हम सामान कहाँ रखें, बाहर रोड पर रखें, कोई और इंतज़ाम करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है हमसे रब्ता कर रहे हैं, लोगों का जज्बा मौजूद है, अपने सैलाब मुतासरीन भाइयों के साथ लोग ताउन करने के लिए तैयार हैं। सर अब तक कितना सामान सैलाब जदगान के पास पहुँच चुका है और खिदमत की जाने से इस वक्त पाकिस्तान बन के अंदर कोई 25 करोड़ से ज़ायद की हम जो है ना मुख्तलिफ मदाद में खर्च कर चुके हैं, जिसके अंदर राशन है, पके पकाए खाने हैं, मेडिकल कैंप है, रिलीफ का काम है, रेस्क्यू का काम है, ये सारे काम हम डे वन से कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी गडाब के अंदर जो सबसे पहले बारिश हुई थी कराची में, वहाँ पर हमने मकानात की तामीर का सिलसिला भी शुरू कर दिया। बाकी जगह के ऊपर जैसे सिंध का पूरा हिस्सा है, लड़काना है, शक्कर है, जड्डो है, मीरपुर खास है, बलूचिस्तान के इलाके हैं, बेला का है, खुजार का है, नौशकी है, कोयटा है और जाफराबाद है, और उसी तरीके जनूबी पंजाब के इलाके राजनपुर वगैरह सवात है, सब जगह हम रिलीफ के काम कर रहे हैं, लोगों को पके पकाए खाने फराम कर रहे हैं। सिर्फ सिंध के अंदर हमारे पास इस वक्त 14 हमारे किचन काम कर रहे हैं, जहाँ से रोज़ाना हज़ारों अफराद को खाना दिया जा रहा है, दो वक्त का वो लोग जाते हैं और वहाँ से खाना हम सप्लाई करते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह जब ये रिलीफ के काम से हम बाहर आएंगे लोगों की रिहेब पे भी जाएंगे। सर ऐसी कौन सी अशिया है जो आप लोगों से कहेंगे कि वो लाएं और दें, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए हम लोगों से जो अपील कर रहे हैं, नकद रकमात की अपील कर रहे हैं, खुश राशन की अपील कर रहे हैं और पके पकाए खाने की अपील कर रहे हैं, साथ साथ में अद्वियात की भी ज़रूरत है, ताकि जो हमने मेडिकल कैंप का सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि जाहिर है कि जब इस तरह के डिज़ास्टर आते हैं तो वबाई अमराज फूट पड़ते हैं, तो हमने मेडिकल कैंप का सिलसिला भी शुरू कर दिया। साथ साथ में हम लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि अपना कुछ वक्त यहाँ पर आके दें। देखें यहाँ सामान बिखरा पड़ा हुआ है, इसको हमें समेटना होता है, इसको हमें सॉर्ट आउट करना होता है, ये सारे काम के लिए वॉलंटियर की भी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ सामान बहुत है और पैक करने वालों की ज़रूरत है, तो आप आइए और इस खिदमत में अपना हिस्सा भी डालिए ताकि सैलाब जदगान तक ये सामान वक्त पर पहुँच सके और वो जो इस्तेमाल कर सकें। ये अल्लाह की राह में एक नेकी है, आप लोग जितना आएंगे काम करेंगे आपको अल्लाह की तरफ से इसका अजर मिलेगा। देखते रहिए CNW न्यूज़, सलाम पाकिस्तान। जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जाहिद अस्करी साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अल खिदमत। आइए इनसे बात करते हैं और सुनते हैं कि अल खिदमत ने अभी तक क्या किया है, क्या कर रहे हैं और क्या लोगों से कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैलाब आने के बाद लोग बड़े मुश्किल का शिकार थे, परेशानियों का शिकार थे, उन्हें कहीं से इमदाद नहीं मिल रही थी, कहीं से दादरसी नहीं हो रही थी। ये अलखिदमत की तारीख रही है कि अलखिदमत जब भी मुल्क को कुदरती आफत आती है तो अलखिदमत सबसे आगे होती है, इसलिए फौरी तौर पे फैसला किया गया कि अलखिदमत ने अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए। पूरे कराची के अंदर जितने जमात इस्लामी के दफातर थे अलखिदमत सबको रिलीफ कैंप बना दिया, और इसी तरह मरकज़ी कैंप यहाँ पर अलखिदमत का जो मरकज़ी दफ्तर है यहाँ पर बनाया गया, और आपने देखा है कि अभी कितने बड़े पैमाने पर लोग जो है यहाँ पर सामान भी पहुँचा रहे हैं, उसमें खाने पीने की अशियाँ हैं, पानी की बोतलें हैं, बिस्किट्स हैं, और इसके अलावा अतियात के हवाले से भी मैं बताऊं आपको कि अहले कराची के अंदर बड़ा जज्बा है और बड़ा एक उनके अंदर एहसास है इस बात का कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमने जब अपील की, जब इतना सामान जमा हो गया, हमने लोगों से अपील की कि लोग रज़ाकार यहाँ पर आएँ बड़े पैमाने पर और ये सारे काम को सॉर्ट आउट करें इनको और मुख्तलिफ पैक्स बनाएँ, तो आप ये देख रही हैं कि अलखिदमत के सारे रज़ाकार पूरे कराची से जमा होते हैं। ख्वातीन भी रज़ाकारों को भी आपने देखा है, ये मर्द रज़ाकार जो नौजवान है हमारे वो यहाँ पर जमा हुए हैं, कपड़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और फिर करने के बाद ये पैकिंग करेंगे और इस लिहाज से देखेंगे कि ये ट्रक जो है उसकी ज़रूरियात किस इलाके के अंदर क्या होंगी, वो वहाँ पर पहुँचाने का काम हम बिला तफरीक ये काम कर रहे हैं। दूर सिंध भी काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान के अंदर ये काम हो रहा है, पंजाब के बहुत से ऐसे मकाम पर काम हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और मैं सबसे अच्छी बात है ये बताऊँ आपको कि लोग अलखिदमत पर बेपनाह एतमाद करते हैं और लोग ये समझते हैं कि अलखिदमत बड़ी दयानत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इस सारे काम को अंजाम देती है, इसलिए बहुत बड़े पैमाने में लोग रुजू भी है, लोग हमसे रबते भी कर रहे हैं इमदाद के हवाले से और इमदाद देने के हवाले से भी रबते कर रहे हैं, मुल्क और बैरून मुल्क से भी लोग जो हमसे रबते करके जो इमदाद है वो पहुँचा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं ये चाहूँगा मीडिया के हवाले से भी मीडिया इसको जो है हाईलाइट करे, लोगों को बताए और लोगों के अंदर मज़ीद जज्बा पैदा हो कि लोग यहाँ पर मज़ीद आएँ और अपनी इमदाद और सही चीज़ें पहुँचें ताकि लोग सही लोगों तक इमदाद पहुँच सकें। सर कोई ऐसा पैगाम जो आवाम को देना चाहें, उन लोगों को देना चाहें जिन्होंने आपके लिए इमदाद भेजी है कि आप सैलाब जदगान तक पहुँचाएँ? जी बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनके जिस लोग नकद इमदाद की जरूरत है, खाने पीने अशिया की जरूरत है, तो मैं आज यही बात कहूँगा कि हमें कपड़े ना भेजें, क्योंकि उसको सॉर्ट आउट करना, उसको ऊपर भेजना है, यहाँ से बहुत लंबा चौड़ा काम होता है,
बाकी खाने पीने की चीज़ें देंगी तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर लोग पहुँच सकती हैं। तो इस पूरे कराची के लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि आप जो है उदारा खाने पीने की चीज़ें भेजें, ऐसी चीज़ें भेजें, खुश चीज़ें भेजें, अद्वियात भेजें, ताकि उन लोगों की मदद हो सके। यही एक पैगाम है और इस वक्त पूरा इंसानियत का मसला है और इसी जज्बे के साथ हमें सारे काम को सर अंजाम देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त खुश खुराक की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है सिंध से भी जो लोग मैसेज भेज रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें खुराक चाहिए, वहाँ पे मासूम बच्चे हैं, उन्हें दूध चाहिए, इसलिए खुश दूध खुराक आप यहाँ पे लाएं, जमा कराएं कि जल्द से जल्द उन। जी इस वक्त कैंप में हमारे साथ मौजूद हैं नवीन, छोटी सी हैं लेकिन सैलाब ज़दगान के लिए यहाँ पे आई हैं पैकिंग करने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए, कैसा लग रहा है पैकिंग कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरह हम लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पे किसी के जमात वाले कितना काम कर रहे हैं, तो हमने कहा हम तो उनके जितना नहीं कर सकते लेकिन जितना हम कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल, ये एक जज्बा है। कब से है? सुबह से हैं, सारे दिन यहीं रहती हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो वैसे करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी काम करते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे आए हैं। अभी एक घंटा होया है आए हुए, और बस बहुत मज़ा आ रहा है कि सबको देख के सबके काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या बोलेंगी? मैं यही बोलूँगी कि हम मदद कर, अल्लाह ताला ने हमें एक ज़रिया बनाया इन लोग की मदद करने का, तो हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत लोग हैं कि हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं। हम जैसे यहाँ अलखिदमत के इसमें दफ्तर में बैठे हुए हैं, तो ये हम एक फैमिली की तरह बैठे हुए हैं, एक फैमिली की तरह हम सब काम कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया कराची से, जमात इस्लामी खवातीन से ताल्लुक़ है मेरा कराची से, और इस वक्त तो हमारे जमात जिस तरह काम कर रही है वो कोई झक्का छुपा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो जा रहा है कि इस वक्त अलखिदमत किस तरह काम कर रही है, और आप यहाँ ख़ुद भी देख रही हैं कि किस तरह जो है वो हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, हमारे मर्द हजरात किस तरह दिन रात लगे हुए हैं, और सिर्फ एक ही जज्बा कार पाएंगे किसी भी तरह हमारे तमाम वो बहन भाई जो इस वक्त सैलाब की जद में आ चुके हैं, जिनके घर बार मुतासर हो चुके हैं, उन तक हमारा जो है वो इमदाद पहुँच सके, और उन तक हमारी जो है छोटी छोटी काविशें जो है वो मिलकर एक। देखते रहिए CNW न्यूज़ सलाम पाकिस्तान। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए मिले। सलाम पाकिस्तान, सलाम पाक फ़ौज, और तमाम सलाम उन तमाम जमातों को जो सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो अपनी मदद आपके तहत भी सामान लेके पहुँच रहे हैं। शुक्रिया।